नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पहले राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर थे। इस दौरान कई सारे वीडियो क्लिप सामने आए, कई सारी बयानबाजी उन्होंने की, जिसे लेकर बीजेपी उन्हें घेरती भी नजर आई। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि अमेरिका दौरे से एक और बात सामने आई है, जिसे लेकर बेहद विवाद खड़ा हो सकता है, और ये बात है व्हाइट हाउस में हुई सीक्रेट मीटिंग की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, जहां पर एक तरफ राहुल गांधी के कई सारे बयानों की चर्चा रही, मामले को लेकर काफी बयानबाजी हुई, राजनीति भी देखने के लिए मिली, तो दूसरी तरफ व्हाइट हाउस में राहुल गांधी ने किससे मुलाकात की, किससे बातचीत की, क्या बातचीत हुई, इस बात को पूरी तरीके से फॉर आप कह सकते हैं कि अननोन रीजन इसे गुप्त रखा गया, क्योंकि इस बात इसका जिक्र ना कांग्रेस ने किया और इसका जिक्र ना अमेरिका की तरफ से किया गया। आखिर किससे मिले थे व्हाइट हाउस में राहुल गांधी, क्यों इस मीटिंग को गुप्त रखा गया, इस मीटिंग को लेकर अब क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं, और इसमें डॉन लू का नाम क्यों सामने आ रहा है, और आखिर ये डॉन लू कौन है, सारी चीजें आपको विस्तार से बताते हैं। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने अमेरिका के ऐतिहासिक दौरे पर जाने वाले हैं। ये दूसरी बार अमेरिका संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे, और इसी के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति 22 जून को व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के सम्मान में राजकीय रात्रि भोज यानी डिनर रखेंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की व्हाइट हाउस जाने की चर्चा है। कहा गया है कि राहुल गांधी व्हाइट हाउस में कुछ शीर्ष अमेरिकी नेताओं के साथ सीक्रेट मीटिंग की थी। दरअसल राहुल गांधी हाल ही में अमेरिका के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने कई सभाएं और भारतीय समुदाय के लोगों के साथ चर्चा की। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ने अपनी यात्रा के दौरान शिक्षाविदों, तकनीकी विशेषज्ञों और थिंक टैंकों के अलावा, यानी जॉर्ज सोरस गैंग के भी कुछ मेंबर थे, सोरस गैंग के मेंबर से मिलने के अलावा अमेरिकी विदेश विभाग के दक्षिण एशिया के सहायक मंत्री डॉन लू, आपको बता दें कि डॉना लू, सहित वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात की। रिपोर्ट के मुताबिक वह कथित तौर पर व्हाइट हाउस भी गए थे। कुछ अजीब कारणों से बैठक को गुप्त रखा गया, लेकिन जो बाइडेन के प्रशासन ने स्पष्ट रूप से विपक्षी नेता के लिए दरवाजे बंद नहीं किए। राहुल गांधी के कथित व्हाइट हाउस को दौरे को लेकर ना तो अमेरिका और ना ही कांग्रेस पार्टी से कोई बयान जारी किया गया। ऐसे में आखिर ये डॉलू कौन है, डोनाल्ड लू को लेकर आखिर क्यों, आपको बता दें कि डोनाल्ड लू को लेकर क्यों इस वक्त बयानबाजी की जा रही है, क्यों कहा जा रहा है कि ये मीटिंग कहीं ना कहीं राहुल गांधी के मंसूबों को एक्सपोज कर देगा। तो बता दें आपको कि डोनाल्ड लू हाल ही के दिनों में एक बड़ा ही विवादित नाम रहा है, खास तौर से पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी सरकार गिराए जाने के पीछे डोनाल्ड लू का नाम लिया था। डोनाल्ड लू साउथ और असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स है। सीधे शब्दों में कहे तो जो बाइडेन प्रशासन ने उन्हें दक्षिण और सेंट्रल एशिया देशों में अमेरिकी नीतियां, अमेरिकी एजेंडे को लागू करने का जिम्मा सौंपा है। इमरान खान ने यह कहकर सनसनी फैला दी थी कि अमेरिका का एक डिप्लोमैट उनकी सरकार गिराने की साजिश में शामिल था। उन्होंने खुले तौर पर डोनाल्ड लू का नाम लिया था, यानी पाकिस्तान में सरकार गिराने के पीछे कोई और नहीं, डोनाल्ड लू का नाम खुद जो है पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा लिया गया था। अब ऐसे में डोनाल्ड लू को लेकर इतनी बड़ी बयानबाजी की गई, इतना कुछ जो है ये बात सामने आई, और अब इसे लेकर बयानबाजी भी अपने स्तर पर की जा रही है। अभिषेक गुप्ता ने इस मामले को लिखा कि अमेरिका यात्रा के दौरान राहुल गांधी की मीटिंग पर चर्चा और विवाद दोनों हो सकते हैं। ये यात्रा असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ साउथ एंड डोनाल्ड लू से मिले, ये वही डोनाल्ड लू है जो किसी देश के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी के लिए कुख्यात है। इमरान खान ने इस दखलंदाजी के गंभीर आरोप पहले ही लगा चुके हैं। कांग्रेस के इस मामले में जो पक्ष होगा उस पर भी सबकी निगाहें होंगी। सीधा सीधा मतलब यह है कि देश तोड़ने के लिए राहुल गांधी किसी भी हद तक जा सकते हैं, और हमारे देश के लिए यह शर्म की बात है कि इसके जैसे देश दो ही हमारे देश के नेता है। बता दें यह चीज यही नहीं रुकी, इसे लेकर लगातार जो है ट्वीट किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इमरान खान की बातें दोहराई जा रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन के पीछे एक बड़ा नाम था डोनाल्ड लू। पप्पू जो है लोग ये पूछ रहे हैं कि इन बड़े बड़े नेताओं से, बड़े बड़े लोगों से राहुल गांधी किस हैसियत से मिल रहा है, क्योंकि आज के डेट में ना वो एक एमपी है, ना वो जो है किसी भी तरीके से अपनी पार्टी के जो है नेता है, मतलब अध्यक्ष है, ना ही वो अपोजिशन पार्टी के प्रेसिडेंट है। तो आखिर में
किस हैसियत से राहुल गांधी बाहर जाके एक ऐसे इंसान से मिल रहे हैं, एक ऐसा इंसान जो कि हर देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने, सरकार परिवर्तन जैसे गंभीर आरोप के साथ ये आदमी है, और ऐसे में आखिर क्या है। और उन्होंने कहा कि जो MOU है उन्होंने चीन के साथ, इसको लेकर भी यहाँ पर ट्वीट लिखा गया, कहा कि वो तो समझ ही नहीं आ रहा है, उसके बारे में पूछना भी नहीं है। और 2024 से पहले राहुल गांधी का ये मुखौटा अब उतरता हुआ नजर आ रहा है, राहुल गांधी की अब सच्चाई जनता के सामने आती नजर आ रही है कि देश को तोड़ने के लिए ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। तो आपको बता दें कि सीमा जो है सिरोही द्वारा जो है उनका आर्टिकल जो छापा गया कि राहुल जी बिग डे आउट, उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि इनकी पब्लिक मीटिंग हुई वॉशिंगटन में, जिसमें वहां पर जो है एक बहुत ही एक व्यक्ति से मुलाकात, उन्होंने बताया कि मुस्लिम के जेनोसाइड पर उन्होंने जो भारत में होता है उसके बारे में उन्होंने बात की, उन्होंने कैपिटल हिल में जो एक फंडेड कैंपेन चलता है उसके बारे में जो है बात की, उन्होंने बताया कि किस तरीके से एंटी मोदी होना भारत में उनके लिए कितनी मुश्किलें पैदा कर सकता है, उन्होंने बताया कि किस तरीके से गांधी कम्युनिटी जो है उनका सपोर्ट भी चला गया, पब्लिक मीटिंग जो है सेंटा क्लारा की वो भी कंफ्यूजन के साथ थी, ऑर्गेनाइजर ने रजिस्ट्रेशन जो है खोला आम जनता के लिए जो लास्ट मिनट में जो अटेंडेंस हुआ, रूम जो है पूरी तरीके से वर्चुअली फिल था और लोग जो है वहां पर थे सुन रहे थे कि क्या है। बीजेपी जो है बीजेपी के खिलाफ राहुल गांधी का ये जो वेल ऑयल्ड मशीन है जो कांग्रेस ऑपरेट करती है स्लैब डैश की तरह से, तो पार्टी जो है उन्हें फिर से टॉप डाउन एंटरप्राइज के तौर पर उन्हें फील होता है। तो ये सारी चीजें जो है उनके उसमें लिखी गई थी, उन्होंने बताया था कि क्या सारी चीजें हैं। इस दौरान उनके आर्टिकल में भी काफी कुछ मेंशन था। यही नहीं, जब एक और आर्टिकल आपको बता दें कि हिंदू एक्शन के द्वारा एक आर्टिकल लिखा कि एक स्ट्रांग क्रिटिक ऑफ PMO एंड हिंदुत्व वेतन जर्नलिस्ट, यहाँ पर जर्नलिस्ट की बात की जा रही है, सीमा रोही वो बताती हैं कि डिटेल सर्कल में कि राहुल गांधी जो है वो एंटी इंडिया ग्रुप्स के साथ मिल रहे हैं और उन्हें फुल कंट्रोल दे रहे हैं वॉशिंगटन DC में, तो पॉइंट्स जो है इसके प्रॉब्लमैटिक ट्रेंड है और इन्हें पता होना चाहिए। तो इसके बाद सीमा सिरोही भी इस पर टेक्स्ट करती हैं, रिप्लाई करती हैं और लिखती हैं कि क्या है हिंदू एक्शन प्रे ? मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी तरीके का किसी रीडर का कॉलम है, क्योंकि आप जब तक प्रधानमंत्री को साष्टांग प्रणाम नहीं करते हैं तब तक आप क्रिटिक कैसे हो सकते हैं ? उफ। तो ये जो चीज़ है उनके द्वारा लिखी गई। अभिषेक उपाध्याय ने भी लिखा कि राहुल गांधी के अमेरिका दौरे के दौरान जो है राहुल गांधी की इस मीटिंग पर चर्चा और विवाद दोनों हो सकता है। सीमा सिरोही लिखती है कि इस यात्रा में असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ साउथ एंड डोनाल्ड लू से ये मिले हैं और ये वही डोनाल्ड लू है जो किसी देश के आंतरिक मामले में दखलअंदाजी करने के लिए कुख्यात है। इमरान खान तक इस पर दखलअंदाजी के गंभीर आरोप लगा चुके हैं और कांग्रेस के इस मामले में जो पक्ष होगा उस पर सभी की नजर होंगी। तो वहीं कुछ लोग इस पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं कि आचार्य चाणक्य ने कहा था कि विदेशी माता स्त्री के उत्पन्न संतान कभी देशभक्त नहीं हो सकता। वही कुछ लोग लिखते हैं कि राहुल गांधी भी कुख्यात है भारत को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतें करने के लिए। तो आपको बता दें कि वहां जाकर उन्होंने भारत विरोधी बयान तो दिए ही थे, लेकिन अब भारत विरोधी तत्वों से भी वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं, भारत विरोधी लोगों से भी मिलते नजर आ रही है, जिसके ऊपर खुद पाकिस्तान भी आरोप लगा चुका है कि सत्ता परिवर्तन के पीछे डोनाल्ड लू का बड़ा हाथ था। वैसे में कांग्रेस जो इस मुद्दे पर ना बात करती आई, ना इसको सीक्रेट रखा गया फॉर वॉट एवर रीजन, तो अब क्या कांग्रेस बताएगी कि इस मीटिंग को क्यों उन्होंने सीक्रेट रखा, अब क्या बताएगी कि क्यों इस मीटिंग के बारे में ना अमेरिका बात करता है और ना कांग्रेस, क्या कुछ आएगी प्रतिक्रिया, उससे भी हम आपको अपडेट रखें। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले पर आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।